हेलो एंड वेलकम टू क्रेविंग्स कॉल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके साथ पनीर शैशलिक। दिस इज़ माय वर्जन ऑफ पनीर शैशलिक। ये बहुत तरह से बनाया जाता है। बेसिकली पनीर शैशलिक होता है पनीर टिक्का का कॉन्टिनेंटल फॉर्म। तो चलिए हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से बना लेते हैं। सबसे पहले 5 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस के एक बड़े बर्तन में ले लीजिए और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टोबैस्को सॉस। इसके बाद हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा पिज़्ज़ा सीजनिंग। डालेंगे हम इसमें 1 बड़ा चम्मच, या मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे एकदम हमें स्मूथ रखना है, इसमें कोई लम्प्स या गांठे ना हो। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर के क्यूब्स। मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है। 6 बेबी कॉर्न चॉप करके और ब्लांच करके हम इसमें डालेंगे। ब्लांच मतलब आप इसको थोड़ी देर गर्म पानी में रख दीजिए। और इसके बाद हम डालेंगे मिक्स्ड बेल पेपर्स, हरी लाल और पीली शिमला मिर्च। और अब हम अपने वेजिटेबल्स और पनीर को अच्छे से इस मैरिनेशन में कवर कर लेते हैं, रोल कर लेते हैं। इसे मिक्स कीजिए हल्के हाथ से। ये देखिए अब ये अच्छे से कवर हो चुकी है सॉसेस में। अब हम इसे 5-10 मिनट्स के लिए अलग रख देंगे। तो चलिए 5-10 मिनट के बाद हम अपने पनीर शैशलिक को फाइनल टच देते हैं। अब हम इसे साते स्टिक्स लेंगे या बैम्बू स्टिक्स लेंगे और हम इसमें इसको लगा लेंगे, पनीर को, कैप्सिकम को और बेबी कॉर्न को। ये देखिए इसी तरह से हम सारे पनीर के क्यूब्स और सारी वेजिटेबल्स स्टिक्स में लगा लेंगे। ये लीजिए, ये एक परफेक्ट स्टार्टर है। आप किसी भी पार्टी में ये सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी रहती है। और आप पहले से मैरिनेट करके रख सकते हैं पनीर को और उसको इस तरीके से स्टिक्स में लगा कर रख सकते हैं और लास्ट में एक माइक्रोवेव में डाल के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अपने केक पैन पे इस तरीके से लगा लिया है। अब इसे हम रख देंगे ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर, जब तक इसके एजेस बिल्कुल नाइस और थोड़े ब्लैक कलर के आ जाएंगे। देखिए सिकने के बाद आपको कहीं कहीं ब्लैक कलर दिखेगा। ये देखिए और कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए जब हमारे पनीर शैशलिक एकदम रेडी हैं तो हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं, इसे सर्व कर लेते हैं। अब एक प्लेट में ये सारी स्टिक्स हम इस तरीके से सजा देंगे। ये लीजिए अब आप इसे सर्व कीजिए मिंट चटनी के साथ, शेजवान सॉस के साथ, थोड़े से अनियन स्लाइसेस के साथ और किसी भी पार्टी में जान डाल दीजिए अपने एक यूनिक स्टार्टर के साथ। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी किसी नई रेसिपी के साथ। ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी।